हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कभी प्यार है, कभी रिश्ता, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल से बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आजकल जमाना युवाओं का है। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहा करते हैं कि युवा देश का भविष्य है। हमारे साथ इस वक्त जलगांव के कुछ युवा हैं। नाम भी इनकी संस्था का युवा शक्ति है। युवा राजदूत पुरस्कार से नवाजा गया है। नीफा ने ये पुरस्कार इन्हें दिया है। आज हमारे साथ हैं विराज, अमित, पंकज और नवल। ये युवा शक्ति के मेम्बर्स हैं। विराज संस्थापक अध्यक्ष है। काफ़ी सारी जानकारियां ये दे सकते हैं। कई सालों से ये काम कर रहे हैं जलगांव में यूथ्स के लिए। ये ऐसा कह सकते हैं कि इनको देख के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये कई ऐसे काम कर जाते हैं जो लोग सिर्फ सोच सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो पुरस्कार मिला है युवा राजदूत का, किसने दिया, किस तरीके से मिला, इस बारे में सारी जानकारी लेते हैं। विराज, पहले तो आपको, आपकी संस्था को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो पुरस्कार मिला है ये किस तरीके से मिला, कैसे होता है इसका चयन? ये युवा राजदूत पुरस्कार इसका नाम है। सप्तरंग महोत्सव का आयोजन नांदेड़ में किया जाता है। नांदेड़ में एक संस्था है नीफा बोल के, ये ऑल इंडिया लेवल पे काम करता है। नीफा का फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, जो सामाजिक कार्य करते हैं होते हैं। उसी के साथ में जो कलाकार है जो अपनी संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, अपनी संस्कृति को परदेश में भी पहुँचाने का काम करते हैं, उसकी तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। सप्तरंग महोत्सव नांदेड़ में आयोजित किया जाता है। इसमें ये एक अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव है जिसमें अलग अलग क्लासिकल डांसर्स, वेस्टर्न डांसर्स, क्लासिकल सिंगर्स, ये सारे लोग अपना सहभाग लेते हैं। इस साल 15 राज्यों से 650 कलाकारों ने इसमें सहभाग लिया और इसी में जो सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे युवाओं को पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी के माध्यम से युवा शक्ति फाउंडेशन को उन्होंने चयन किया और इस साल युवा शक्ति फाउंडेशन को युवा राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। युवा शक्ति फाउंडेशन पिछले 10 सालों से विविध सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहा है। युवाओं की जो सकारात्मक शक्ति होती है उसी को समाज के हित में इस्तेमाल करने के लिए युवा शक्ति फाउंडेशन कोशिश करती है और युवाओं को प्रेरणा देने का काम युवा शक्ति फाउंडेशन के मार्फत किया जाता है। अमित, आपके बारे में भी लोग कहा करते हैं कि बहुत कुछ आप में नयापन है, कुछ नया किया करते हैं, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं आप ये मिलने के बाद आपको पुरस्कार? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम जो काम करते हैं, काम करने के बाद जब कोई पीठ थपथपाता है तब पीठ थपथपाने के बाद जो एहसास होता है वो बहुत ही आपके काम को, काम करने की ऊर्जा बढ़ाता है, प्रेरणा देता है और जो हम काम कर रहे हैं उसकी और ज़्यादा ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं इसी के बारे में आज मैं सोच रहा हूँ। युवा राजदूत पुरस्कार से आज हमें नवाजा गया है, हमको आज वो ट्रॉफी मिली है। वहाँ पे बहुत ही बड़े दिग्गज लोग थे, उनसे नीफा की तरफ से ये सप्तरंग महोत्सव का आयोजन किया हुआ था, उनकी तरफ से हमें ये युवा राजदूत पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके लिए मैं धर्मेंद्र को बोलूँगा ट्रॉफी दिखाएं, ये किस तरीके की ट्रॉफी है। यहाँ पंकज के पास ये ट्रॉफी है। पंकज, इस ट्रॉफी को हाथ में लेकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ मैं कि हमारे जो वर्क, सोशल वर्क जो करते हैं उसको एक पॉजिटिवली एक सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है और एक तो सोसाइटी भी उसको देख के सोचते हैं कि हम भी ऐसा कुछ ऐसा करना चाहे कि आज ये जो ट्रॉफी इनके हाथ में, कल ना जाके हमारे हाथ में भी वो ट्रॉफी आ जाए। नवल, आपको कैसा प्रतीत होता है आप जब युवा शक्ति के साथ काम करते हैं? तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है और 10 साल से अच्छे काम करते आए और मेरे को भी, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और सोशल वर्क में भी अच्छा काम करता हूँ। युवा शक्ति के जो मेंबर्स हैं जनरली विराज के साथ काम जो लोग करते हैं, ये लोग मतलब सभी स्टडी से ही रिलेटेड हैं, लोग पढ़ाई करते हैं। जितने बच्चे हैं उसमें से 95% ऐसा आप बोल सकते हैं कि सभी पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से काम किया जाता है ये युवा शक्ति को देखकर मतलब आपको सीखना पड़ेगा। फिलहाल विराज और युवा शक्ति की ओर से कुछ गैस कनेक्शंस वगैरह बांटने का प्रोग्राम चल रहा था, क्या है उसके बारे में भी जानकारी देते विराज। ये गैस के बारे में लास्ट टाइम
व्हाट्सएप पे कुछ आया था, तो क्या है क्या उसकी? हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, उनका काफी दिनों से सपना रहा है कि वो जो महिलाएं होती है भारत की, आज भी हम लोग काफी जगह देखते हैं कि उनकी जो रोजी रोटी है या वो अपना जो खाना बनाती है, वो पेड़ों को काट के उस धुएं को सहन करके वो अपना चूल्हा चलाती है, पर चूल्हे कम हो मतलब पर्यावरण सही रहे। अभी कल ही पर्यावरण दिवस हुआ, तो हम लोग आज जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं उसी के अंतर्गत मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत काफी गरीब लोग होते हैं जो गैस कनेक्शन नहीं ले पाते या सिलेंडर उतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उस योजना के अंतर्गत ऐसा है कि सरकारी योजना है, 100 रुपये में आपको गैस कनेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको जो LPG स्टोव होता है वो भी दिया जा रहा है और जो सिलेंडर दिया जा रहा है वो भरा हुआ है। तो काफ़ी एक 4 साल पुरानी ये योजना है, मोदी जी जैसे ही आए थे सरकार बनी थी तब से इन्होंने शुरू किया, तो उनका एक सपना था, तो उसी सपने को युवा शक्ति ने साकार करने की कोशिश की। जलगांव में हम लोगों ने देखा कि गैस एजेंसी उतना कर नहीं पा रही थी और कोई भी NGO इस माध्यम से लोगों की मदद करने आगे नहीं आ रहा था, तो युवा शक्ति ने पहल की और लगभग 650 कनेक्शन हम लोगों ने इसके माध्यम से दिए हैं। तो इसमें ET नाना पाटिल जो है हमारे खासदार, उनकी काफ़ी मदद रही है, गैस एजेंसीज है लोकल, उन्होंने काफ़ी मदद की है और लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। 15 दिन में लगभग 650 कनेक्शन हुए हैं और इसका जो वितरण हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे हमारा संपर्क बना हुआ है, अगर हो सके तो वो कोशिश करेंगे कि जुलाई के पहले हफ्ते में वो आए और जलगांव में इतना बड़ा जो उपक्रम है उन्हीं के माध्यम से किया जाए। आने वाले 2 महीने में, आगे अगले 2 महीनों में जलगांव में महानगर पालिका के चुनाव भी हैं। महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इस बार जिस तरीके से पिछली बार मोदी जब चुन के आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो लोकसभा में युवाओं ने काफ़ी योगदान दिया था, उस वक्त मतदान उनका वैसा ही था, अब जलगांव की मनपा में भी युवाओं का बहुत अच्छा योगदान रहने वाला है। अमित, इस बार क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं से मतदान को लेकर? युवा शक्ति ये ऐसी शक्ति है जो बदलाव लाने के लिए काफ़ी कुछ मदद कर सकती है, तो मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा, आप वोट देते वक्त आपका उम्मीदवार, आपके जो भी प्रतिनिधि है उन्हें सोच समझ कर वोट दीजिए, जो पहल कर सकता है, जो युवाओं के लिए काम कर सकता है, जो इंडस्ट्री के लिए अपने अपने ग्रोथ के लिए काम कर सकता है, अपने रोजगार उपलब्धि के लिए काम कर सकता है उन्हीं के लिए आप वोट दीजिए, आप उन्हें चुना के लाइए जो कि अपना भी युवाओं के लिए जो प्रेरणा दे सके या उनके रोजगार दे सके। देश को बदलाव चाहिए तो मोदी आया था, और अब जलगांव को बदलाव चाहिए तो पता नहीं कौन आएगा, अभी तो हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन फिलहाल जो जलगांव की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएगा, ऐसी हम लोग अपेक्षाएं करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और एक बार फिर से विराज और युवा शक्ति को हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, आप सभी को ढेर शुभकामनाएं, थैंक यू। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।